फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? जैसे आप लोगों को पता होगा, 2 दिन पहले मैं अपनी दीदी के घर आया था सिलीगुड़ी से कलकत्ता। तो उस दिन 13 घंटे लग गए थे। मैं तो एक्चुअली रिकॉर्ड सेट करने का कोशिश में था कि 10 घंटे में पहुंच जाऊंगा, बट रास्ता आफ्टर कृष्णनगर बहुत ही गंदा मिला। गंदा इन द सेंस, जैसे हर जगह जगह पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है, तो बीच से रास्ता ख़राब था और साइड में छोटे 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 लेन्स थे, वहाँ से जाने पड़ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लाइक 120 किलोमीटर तय करने में लगभग 4-5 घंटे लग गए हम लोगों को, मुझको। तो अभी क्या करने वाले हैं, आज वापस जा रहा हूँ घर सिलीगुड़ी, लेकिन ये वाला रूट नहीं जाएंगे। जो हम लोग आए थे वो था आपका सिंपल सा रूट है, जो हमारा सिलीगुड़ी टू डालखोला टू रायगंज, रायगंज से मालदा फरक्का होते हुए बहरमपुर, कृष्णनगर होके रानाघाट होके वाया काचापाड़ा एक्सप्रेस, काचापाड़ा के वहाँ से कल्याणी एक्सप्रेस वे लेके हम लोग आए थे कलकत्ता तक। वहाँ से नहीं जाएंगे अभी, जाते वक्त मैं जाऊँगा, क्योंकि दूसरा रूट थोड़ा मुझको एक्सप्लोर करना है, आप लोगों को भी दिखाना है। पूरा रूट दिखाते हुए जाऊँगा, कैसा रास्ता है, कंडीशन वो भी दिखा दूँगा। तो मुझको जहाँ से जाना है आज, वो ये यहाँ से निकलेंगे कलकत्ता से, बाली होते हुए दुर्गापुर, आसनसोल, रामपुर हाट होते हुए नालहट्टी होके हम लोग घुसेंगे फरक्का में, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों से गाड़ी पर मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी निकल रहे हैं घर से, बाय बाय अपने बहन को, अपने अपने दीदी को, अपने भांजी को, फिर मिलेंगे। चलो चलता हूँ। हाँ यस ओके, तो चलिए निकलते हैं। अभी कलकत्ता से निकल रहे हैं, मतलब दक्षिणेश्वर जो जगह है वहाँ से निकल रहे हैं। रास्ते में हमारा एक फेल स्टॉप आएगा, तो आज का राइड सुहाना हो इसी उम्मीद के साथ दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। एडवेंचरस एक हो जाएगा अपना छोटा सा, बिकॉज़ बहुत ही कम ट्रैवल रूट है वो, बिकॉज़ ये वाला रूट जो है, ये वाला कृष्णनगर के बाद तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझको इतना धूप धूल मिट्टी और कीचड़ नहीं सहना है अभी। ये हो गया अपना प्रसिद्ध फेमस बाली ब्रिज, जो गंगा के ऊपर है। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। वैसे यहाँ पे आके एक काम मेरा बहुत बढ़िया हो गया, मैंने गंगा में नहा लिया इस बार। बहुत दिनों से तमन्ना थी कि एक बार गंगा में नहा लूँ, लगभग 1.5-2 साल से एक्चुअली यही बात हो जा रहा है मेरे साथ। मैं जब भी आता हूँ कलकत्ता तो सोचता हूँ कि गंगा में नहा लूँगा, गंगा में नहा लूँगा, लेकिन कभी भी नहीं हो पाता है, कोई ना कोई कारण की वजह से छूट जाता है। तो इस बार ये मेरा तमन्ना पूरा हो गया, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हाल ऐसा है, बाली जब ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो गूगल माता ने हमें बहुत खूब भटकाया है, बहुत ही खूब भटकाया गूगल माता ने। एक चक्कर एक्स्ट्रा कटवा दिया बाली ब्रिज का, तो फिर हमने अभी ले लिया है दिल्ली रोड, जो जीटी रोड है कलकत्ता से जो निकलता है। तो जीटी रोड होते हुए यहाँ से जाएंगे बर्धवान होते हुए दुर्गापुर, आसनसोल, रामपुर हाट, नालहाटी। ये अपना रूट है आज का, देखते हैं कितना सक्सेसफुल रूट होता है। बिकॉज रोड का कंडीशन मुझे क्या, मैंने एक बंदे को पूछा था जो इधर का लोकल है, तो बोलता भैया मैं आसनसोल तक की दुर्गापुरी तक ही जा चुका हूँ, उससे आगे मैं कभी गया नहीं। तो रामपुर हाट उस साइड वो कभी गया नहीं पिछले 5-7 सालों में, उसे रोड कंडीशन नहीं पता। तो कोई बात नहीं, आज हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, साथ में आप लोगों को भी दिखा लेते हैं। तो भाई जैसा देख सकते हैं कि रास्ता अपना नेशनल हाईवे छोड़ के हम लोग स्टेट हाईवे पकड़ लिए हैं। अब यहाँ से सीधे बर्धवान पहुँचेंगे 60 किलोमीटर आउट में, उससे थोड़ा कम ही है, बट यहाँ का ब्यूटी जो है, सीनरी बहुत देखने लायक है। आसपास में खेत खलियान है और गांव वाला वाइब आता है यहाँ से बहुत बढ़िया। क्या बात है यार, रास्ता अच्छा है फिलहाल, तो रास्ता बहुत अच्छा है यहाँ का। थोड़ा बहुत आपको संभल के चलाना पड़ेगा, 60 आइडियल स्पीड समझ लो 60 का होगा यहाँ पे, बिकॉज जैसे देख सकते हैं लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक है, मतलब गांव वाला ट्रैफिक जैसा होता है वैसा वाला ट्रैफिक है। तो थोड़ा आराम से चलाएं, आराम से सीनरी को एंजॉय करें, मैं भी वही कर रहा हूँ, सीनरी को एंजॉय करके जो गांव वाला जो राइड है उसका मजा लेते हुए चला रहे हैं। जगहटा नाम की, जगहटा नाम की, পান্ডুয়া। আমি এখন আসছি কলকাতা থেকে, যাব শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি
तो अपना पांडुआ में हो गया फ्यूल अप, यहाँ पे अब हम कर लिए गाड़ी का टंकी फुल, अब निकलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग है बोईची बोल के एक जगह है पांडुआ से थोड़ा आगे आके, तो यहाँ पे आके मैं डिसाइड कर रहा हूँ किस रूट से जाएं, क्योंकि जो मैंने पहले सोचा था रामपुर हाट होके जाएंगे तो वो रूट में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लगभग डेढ़ घंटा ज़्यादा लगेगा एंड रास्ता भी फोर लेन नहीं है। अभी मैं बार बार डिसाइड किए जा रहा हूँ, तो भैया लोग यहाँ पे जो चाय पीने रुक गए थे भैया लोग के साथ, ये भैया लोगों ने बोला यहाँ से मत जाओ, शांतिपुर होके कृष्णनगर होके जाना चाहिए, रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा। और कृष्णनगर का रास्ता तो मुझको पता ही है, वहाँ का आगे का रास्ता पता है, लेकिन यही सोच रहा हूँ एडवेंचर करें कि सेफ खेलें, या तो एडवेंचर करना है नहीं तो सेफ खेलना, दोनों में से। तो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक मैं दोनों तरफ का सोचे जा रहा हूँ दिल में, करना क्या है देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो चाय पीना हो गया, मस्त चाय ब्रेक ले लिया मैंने, यहाँ से निकलते हैं, निकल के फिर आगे सोचते सोचते चलते हैं, क्योंकि आगे दो एक या डेढ़ किलोमीटर पर टर्न है ना भाई, हाफ किलोमीटर पर टर्न है, अगर शांतिपुर का रास्ता पकड़ना है तो हाफ किलोमीटर में पकड़ना है। तो फ्रेंड्स चाय पीना हो गया कंप्लीट, दादा लोगों से हमने डायरेक्शन पूछ लिया एंड डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो एक कॉइन टॉस कर लिया भैया के साथ, जो चाय वाला भैया था उसके साथ कॉइन टॉस हो गया। तो कॉइन टॉस का नतीजा ये निकला कि शांतिपुर का रास्ता पकड़ना है, तो हम लोग शांतिपुर का रास्ता पकड़ेंगे। जब खुद डिसाइड नहीं हो पाता है तो कॉइन टॉस मैं कर लेता हूँ, बिकॉज कभी कभी ऐसा ही होता है कि किस्मत की बात होती है बहुत कुछ, तो जो किस्मत की बात होती है वो किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा बहुत मेरे साथ हो चुका है कि मैं जिद पे अड़ा रहा और बाद में मुझे भुगतना पड़ा। तो जब बार बार यही संकेत मिल रहा था कि भाई शांतिपुर जाओ, शांतिपुर से जाओ, शांतिपुर से जाओ, तो शांतिपुर से जाते हैं, क्योंकि एक जगह पे ऐसा भी हुआ था कि मैंने उस तरफ मोड़ भी लिया था गाड़ी, फिर मैंने यू टर्न मार के आया। जब मैं घर से निकला तो भी ऐसा हुआ कि मैं गलत घुस गया, बिकॉज शांतिपुर का ही रास्ता पकड़ रहा था मैं फिर से। तो यहाँ पे कहीं पे राइट टर्न होगा, तो देखिए भाई चूट के जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं पाट काठी, तो चूट जो चीज़ होता है एक टाइम पे तो बहुत यूज़ होता था, अभी आस्ते आस्ते जूट का यूसेज प्लास्टिक की वजह से ख़त्म हो गया, बट इससे बहुत बढ़िया धागा निकलता है, उससे बोरियाँ बनती हैं, और जो लेफ्ट ओवर जो आपका पेड़ का रह जाता है उससे जलाने के लिए काम आ जाता है, फिर यज्ञ वगैरह में लग जाता है, जो हवन वगैरह होता है उसमें लग जाता है ये काठिया। तो एक टाइम पे बंगाल में इसका बहुत बहुत खेती होता था, जो अभी लगभग बहुत ही कम हो गया है, खेती होती है लेकिन बहुत कम, उस हिसाब से पहले के हिसाब से नहीं होती, लेकिन अभी भी अगर गांव एरिया में जाओ तो ये सब दिखते हैं। सॉलिड फंस गए आज, सॉलिड बैंड बज गई अपनी। आज एक्चुअली नवद्वीप में रास मेला चलेगा, उसके चलते इधर में बहुत तगड़ी जाम लगी हुई है, और उस जाम में हम लोग भी फंसे हुए हैं, काफी लंबा जाम लगा हुआ था, तो जैसे तैसे इधर उधर दाएं बाएं करके निकले हैं, इतने आगे तक आए हैं। जबरदस्त जबरदस्त जाम लगा हुआ है, यह हो गया गंगा फिर से, जो नवद्वीप का गंगा है। NH-12 पकड़ चुके हैं इतनी देर बाद, लगभग एक घंटा हम लोग लगभग एक घंटे का टाइम लूज कर चुके हैं, वो एक घंटे से ज़्यादा का टाइम लूज कर चुके हैं, जो हमें रास्ते में मेकअप करना है।
अब देखते हैं कितना मेकअप हो पाता है आज। पहला काम जो अभी करवाना है मुझको, कहीं पे रुक के अपने गाड़ी का हवा वाई एयर प्रेशर चेक करवाना है, बिकॉज उस टाइम पे एक जगह पे रुका था तो दोनों पैर फ्लैट फुट हो रहे थे नीचे, तो अगर ऐसा होता है तो मतलब मेरे गाड़ी में हवा थोड़ा कम है। अब दोस्तों पलासी पार किए हुए थोड़ा टाइम हो गया, अब मुझको तगड़ा दिल कर रहा है चाय पीने का, तो एक बढ़िया सा चाय की दुकान ढूंढते हैं और थोड़ा चाय पीते हैं। 12:15 बज रहा है, ब्रेकफास्ट किया था 10 बजे। तो दोस्तों अभी बहरमपुर से लाइक 25 किलोमीटर आगे रुक गए हैं एक जगह पे चाय पीने के लिए, बहुत चाय की तलब लगी हुई थी तो यहाँ रुक गए, थोड़ा चाय पी रहे हैं। दो लोकल यहाँ पे भाई लोगों से परिचय हो गया हमारा, यहाँ पे 3-4 भाई थे, अभी एक ही रह गए तो इनसे परिचय हो गया। एक होटल है, होटल किचुकखुन, तो यहाँ पे रुक गए हैं थोड़ा चाय पी रहे हैं। 10 मिनट लगेगा और मुझको चाय पियेंगे, सुट्टा ब्रेक मारेंगे और निकल पड़ेंगे। बहरमपुर यहाँ से 25 किलोमीटर है तो लगभग 20 मिनट नहीं चाहिए बहरमपुर क्रॉस करने में। 5 बजे तक किसी हाल में डाल खोला घुसना है आज, तो यही टारगेट लेके जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों अभी पहुँचने वाले मोरग्राम, बहुत गर्मी लग रही थी, हाथों में भी थोड़ा दर्द होने लग गया मेरा, ये जो लास्ट पिंक फिंगर यहाँ पे थोड़ा दर्द होने लग गया, तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ग्लव्स निकाल दिया है, पीछे बांध दिया ग्लव्स को। और ये मोरग्राम हो गया, इससे यहाँ से लेफ्ट ले लोगे तो फिर वही रामपुर घाट वाला जो रास्ता है वो पकड़ सकते हैं, जहाँ से मैंने पहले सोचा था आने के लिए, जहाँ से नहीं आए पॉइंट ऑफ करके इस तरफ आ गए, तो वो वाला रास्ता मिल जाना था, ये वाला था। अब आगे हमारा फरक्का आएगा कितना पे मुझको नहीं पता, बट मैंने 2:30 बजे का टारगेट सेट किया हुआ है अपने खुद के लिए, 2:40 का टारगेट सेट किया हुआ है। फरक्का पहुँचने वाले, लाइक 2 किलोमीटर रह गया फरक्का मैच के लिए, बट बहुत तगड़ी भूख लगी हुई थी तो मैं रुक गया यहाँ पे। सैनिक ढाबा बोल के एक दुकान है, ढाबा है, तो बढ़िया से तड़का रोटी खा लिया, दही खा लिया, पेट अपना फुल टाइट हो गया। अभी 10 मिनट बैठना है, आराम करना है 10 मिनट, उसके बाद निकल पड़ना है यहाँ से, देखते हैं डालखोला तक कब तक पहुँचते हैं। 5 बजे तो शायद होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे बढ़िया चारपाई बिछी हुई है, जी जा रहा है थोड़ा लेट जाऊँ, बट अभी लेट गया तो फिर लेट ही जाऊँगा, नींद आ जाएगा, कल रात को ठीक से नींद आया नहीं मुझको, तो अभी लेटना है नहीं हमें, हमें फटाफट यहाँ से निकलना है, 10 मिनट रे वेस्ट, उसके बाद फटाफट निकलना है यहाँ से। ये लो भाई पहुंच गए फरक्का बारज, पूरा जाम वाला जगह, साइड पे जो ट्रेन का ट्रैक है उसमें से ट्रेन जा रही है, पीछे पीछे ही अपने बिल्कुल पीछे पीछे है, बहुत ही आस्ते आस्ते ट्रेन खींच रही है, अभी फुल स्पीड में निकलेगी ट्रेन, देखो सामने से भी एक ट्रेन आ रहा है, पीछे से तो ट्रेन आ ही रहा है, सामने से भी ट्रेन आ रहा है, देखो ये देखो, ये गंगा नदी के ऊपर बहुत बढ़िया डैम है, इसको बोलते हैं फरक्का बैरेज। ये मालगाड़ी जा रही है यहाँ से, सॉलिड जाम है, अब इस जाम से किसी तरह से निकलना है, कैसे निकलें इतनी जाम से। उस जाम का मेन कारण ये ना, ये जो गाड़ियां साइड में खड़े कर देते हैं साले, गाड़ियों को, अरे वाह यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, फंक्शन वगैरह, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन। 15-20 मिनट में पहुँचेंगे रायगंज, लाइक यहाँ से शायद 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 15 से 20 मिनट लगेगा ऐसे पहुँचने में। रायगंज पहुँच के चाय खपियेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैकेट लगाना है, लेकिन आज का राइड शुरुआत मेरा बहुत ही गंदा रहा, मैं जिद करके एक रास्ते से पकड़ लिया था, फिर मुझको मैं एक्चुअली वो रास्ता छोड़ना पड़ा, तो फिर अंदर से
जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेरा घूमना हो गया उसमें, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने उसमें। मैं सुबह के 7 बजे निकला हूँ तो हिसाब से शाम के 7 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, या मुश्किल से मुश्किल 8 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, बट अभी तो लग रहा है 9-10 बज जाएगा, शायद 10 बज जाएगा, बिकॉज़ आज थोड़ा कल रात को सो नहीं पाया तो वो शरीर वो बदन में वो थकान रह गई है, उसकी वजह से बॉडी एकदम ऑप्टिमम पे काम नहीं कर रहा, थोड़ा अंडर है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कितना टाइम चल सकते हैं। सांप दिख गया मुझको, क्या मस्त यार, कोबरा है। अरे बाबा ये देखो सांप देखो, अरे बाबा जय महादेव शिव शंभु। आज बहुत सांप दिखा रहा मुझको, आज बहुत सांप देख लिया मैंने। अरे बाबा, अरे बाबा कितना बड़ा है यार, अरे बाबा। तो भाई दोस्तों पहुंचने ही वाले हैं डालखोला, वेल बिहाइंड शेड्यूल वो सब छोड़ दो, लेकिन रात में चलाने का भी भाई अपना मज़ा है। ये कभी कभी लगता है जब मैं चलाता हूँ, लेकिन फिर भी अवॉइड करता हूँ, लेकिन सच में रात में चलाने का अपना ही मज़ा है। ऐसे लाइट्स रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है, लाइट्स नहीं होते तो कम मज़ा आता है। किशनगंज आ गए हैं, पार कर रहे हैं, अभी 7:50 हो रहा है टाइम। यह हो गया किशनगंज स्टेशन। जनरली हर एक ट्रेन जो NGBI इधर आती है ये किशनगंज स्टेशन होते हुए ही जाती है। ये गूगल इस तरह से मैप बताता है ना, अगर सामने डिस्प्ले में हो फिर भी देख ले इंसान। जैसे मैं अभी इंटरकॉम पे लगा के चल रहा हूँ तो इस तरह से बोलता है कि ब्रिज के बीचों बीच बोलता है टर्न लेफ्ट। साला हरामखोर, जाऊँगा कहाँ लेफ्ट, बाहर गिर जाऊँ, ब्रिज से छलांग लगाने का बोल रहा है कि टर्न लेफ्ट, हरामखोर साला। सॉलिड डरा, सॉलिड डर गया था मैं। पीछे फप से एक आवाज़ आया, जैसे कोई ट्यूब में कुछ घुस जाता है ना तो फप से एक आवाज़ आता है, वैसे एक आवाज़ आया और मेरा पीछे का चक्का थोड़ा हिल गया। तो मुझको लगा भाई क्या हुआ, पंक्चर तो नहीं हो गया। तो मैं जैसे तैसे स्लो करके थोड़ा देखा आगे एक टायर की दुकान है, वहाँ तक आस्ते से खींच के लेके आया गाड़ी। फिर बढ़िया से अपना टायर चेक किया, नहीं भाई चलो ठीक है, अगर पंक्चर हो जाना था अभी तो बैंड बज जानी थी अपनी, सॉलिड बैंड बज जाना था। भगवान अभी ऐसा मत कुछ करो कि मुझे अपने दर्शकों को बताना पड़े ऐसा, क्योंकि दो बार तो हो चुका है मेरा, दो ट्रिप में दो बार ऐसा हो चुका है, तीसरे बार मत हो। तो दोस्तों अभी पहुंचने वाले सिटी सेंटर, AKA लवर्स पॉइंट, जो सिलीगुड़ी में बहुत फेमस है। अब जो ये कलकत्ता का राइड था अपना, बहुत शानदार राइड था एक हद तक। जाते वक्त मुझको रास्ते ने भगाया, जाते वक्त रास्ते ने बैंड बजा दिया, आते वक्त मैंने अपना बैंड खुद बजवा लिया, तो ठीक है दोनों टाइम बैंड बजाया अपना, मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बट रास्ता मिला बढ़िया, राइड किए बढ़िया, अभी सही सलामत घर पहुंच जाएं तो राइड कंप्लीट हो जाए अपनी। और सामने एक ट्रेलर हमारे आगे आगे चल रहा है, साइड नहीं दे रहा, बाल सफ़ेद कर दिया चूतिए ने। और ये आ गया अपना मल्लागुड़ी मोड़, ये आ गया अपना मल्लागुड़ी मोड़। लो भाई हम लोग पहुंच गए पूरे 15 घंटे में, कहाँ सोचा था जल्दी पहुंचेंगे यार, ठीक है 15 घंटे में पहुंच गए सिलीगुड़ी। तो गाइस इसके साथ ये व्लॉग यहाँ करते हैं ख़त्म।
आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट राइड पे। तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और कमेंट्स प्लीज डालो यार, प्लीज कमेंट्स डालो।